इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और सांसद श्री दिलीप घोष जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी पूर्व में सांसद स्वपन दास गुप्ता जी, हमारे चुने हुए नवनिर्वाचित विधायक सुदेंदु अधिकारी जी, श्रमिक भट्टाचार्य जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी सांसद गण, वरिष्ठ सहयोगी गण, भूपेंद्र यादव जी हमारे महामंत्री, दुष्यंत गौतम जी हमारे महामंत्री, दिनेश त्रिवेदी जी, सभी वरिष्ठ सहयोगी गण, हमारे मुखर्जी जी, तरुण चुग जी हमारे जनरल सेक्रेटरी और यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के साथी, आज मुझे चुनाव के नतीजे के दो दिन पश्चात ही यहाँ आना पड़ा है और पिछले कल से मैं यहाँ पर हूँ और आप सबके साथ इस प्रेस वार्ता में मुलाकात हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बहुत ही निर्दयता से किलिंग्स हुई हैं हमारे बंगाली जनता की और बंगाल में रहने वाले लोगों की, इसकी मैं तीव्र निंदा करता हूँ, कंडेम करता हूँ। द ब्रूटल किलिंग्स विच हैव टेकन प्लेस आफ्टर द रिजल्ट्स, आई कंडेम इट एंड सर्टली वी ऑल्सो स्टैंड बाय द पीपल ऑफ बंगाल एंड ऑल सिटीजन्स रिसाइडिंग इन बंगाल जिनके साथ इस तरीके की घटना घटी है। मुझे इन घटनाओं को देखकर पार्टीशन के दिन याद आ रहे हैं। दिस मेक्स मी रिमेंबर द पार्टीशन डेज। और मुझे वह भी याद है 16th of August 1946 व्हेन इट वाज अ डायरेक्ट एक्शन डे, जब डिक्लेयर किया था उस समय। और मैं ये कहता हूं कि 16 अगस्त 1946 जब मैं याद करता हूं, डायरेक्ट एक्शन डे की बात करता हूं, तो मैं उसी के साथ साथ आज जो 2 मई तारीख की दोपहर के बाद घटनाएं घटी हैं, दैट ऑल्सो इज लाइक ए खेला होबे डे। वह भी खेला होगा इसकी तारीख और नंदीग्राम में जो ममता जी ने कहा था और जो आपने अभी इस स्क्रीन पर भी देखा है, वो खेला होबे डे वह 2 मई बन गया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जिस तरीके से नरसंहार हुआ है, जिस तरीके से ब्रूटल किलिंग्स हुई हैं और जिस तरीके से ममता जी चुप रही हैं पूरे 36 घंटे 36 आवर्स एक्टिंग केयर टेकिंग चीफ मिनिस्टर चुप रहे, यह बताता है उनकी इन्वॉल्वमेंट का। ममता जी साइलेंस स्पीक्स अबाउट हर इन्वॉल्वमेंट एंड शी स्टार्ट्स हर थर्ड टर्म विथ हर ब्लड ऑन हर हैंड्स। वह अपनी तीसरी टर्म की शुरुआत उनके हाथ में लगे हुए सने हुए खून के साथ प्रारंभ होती है। ये मेरा चार्ज है। अगर हम इंसिडेंट्स को देखें, आई हैव बीन टू द प्लेसेस, अगर हम इंसिडेंट्स को देखें तो हमारे ध्यान में आता है कि द टीएमसी वर्कर्स हैव टारगेटेड द बीजेपी ग्रास रूट लेवल वर्कर्स, ग्राउंड पर काम करने वाले वर्कर्स को अटैक किया गया है। और दूसरा जो फीचर हमको ध्यान में आता है कि उनके परिवारों को अटैक किया गया, उनके परिवारों को अटैक किया गया, देयर फैमिलीज हैव बीन अटैक्ड एंड स्पेशली द टारगेट हैज बीन वेमेन, महिलाएं टारगेट बनी हैं। और टारगेट में महिलाओं का मोलेस्टेशन एंड रेप केसेस, ये सामने उभर करके आया है। इसीलिए जब चुनाव के प्रचार में हम बोलते थे कि महिलाएं सबसे ज्यादा अनसेफ हैं वेस्ट बंगाल में, तो मैं सच था, हम जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन जनादेश से सच्चाई छुप नहीं सकती। वुमेन हैव बीन मोलेस्टेड एंड रेप केसेस हैव टेकन प्लेस। और उसके साथ साथ
लूट की घटना भी हम लोगों को देखने को मिली है। पहले अटैक टारगेट, फिर फैमिली पर अटैक, फिर विमेन पर अटैक, और विमेन पर अटैक के पश्चात फिर लूट, यह हमको देखने को मिलता है। व्हेन आई टॉक अबाउट 1946, इट वाज ब्रिटिश राज, और उस समय भी ब्लड बहा था, एंड द सॉयल ऑफ कैलकटा एंड वेस्ट बंगाल वो ब्लड से सना था। और आज भी जब मैं देखता हूं तो द रेड ब्लड ऑफ पीपल ऑफ बंगाल वह हमको 2 तारीख के बाद देखने को मिलता है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, वहीं प्रजातांत्रिक तरीके से इन सब जो कुत्सित विचार हैं, जो जिसको मैं कहूंगा कि इनटॉलरेंस के विचार हैं, असहिष्णुता के विचार हैं, इनको हम नष्ट नाबूद करेंगे, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। एक नई बात भी आई है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। एरियाज लाइक संदेश खली, गोसाबा, ईस्ट कैनिंग, विलेजेस हैव बीन रैनसैक्ड, विलेजेस ऑल टुगेदर, और इसके साथ साथ यहां दे हैड टू अबैंडन द विलेजेस, ये स्थिति आई है। और इतना ही नहीं, लोगों को बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से, कूच बिहार से और उसके ऊपर से लोगों को जाकर के असम में भी रिफ्यूज लेना पड़ा है, असम में जाकर के अपनी जान बचाई है, यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। और जब मैं ईस्ट कैनिंग की बात करता हूं और इस इलाके की बात करता हूं, लास्ट ईयर ये वही एरिया है जहां इनको अम्फान की त्रासदी सहनी पड़ी थी, और इस साल इनको ममता फान की त्रासदी झेलनी पड़ रही है। दे हैव अबैंडन्ड देयर विलेजेस। मेरे सारे चार्ज को आप नोट कीजिए, और जरूर जाकर के मैं चाहूंगा कि पत्रकारिता जगत में वहां जाकर के इसको कंफर्म कीजिए। लास्ट ईयर अम्फान, दिस ईयर ममता फान, और उनके साथ फिर से यह डबल ट्रेजेडी हुई है, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। फ्रेंड्स, अगर मैं इस ट्रेजेडी के बारे में कहूंगा, ठीक है जनादेश में ममता जी जीत गई, लेकिन मानवता हार रही है। 2 तारीख के बाद जो घटनाएं घटी हैं वह स्पष्ट बताती है कि बंगाल के बारे में जो हम सब लोग चाहते थे इस बंगाल को बनाने का, वह ममता जी के चुनाव के नतीजे के साथ साथ बिफरता और बिखरता हुआ दिखता है, यह मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। अगर मैं बात करूं हमारे लोगों की, तो मैं जब ये लिख रहा था और आपके लिए नोट करके आया था, तो उस समय मरने वालों की संख्या 9 थी। आज जब मैं अभी पहुंचा हूं 2 घंटे बाद, तो जान जाने वालों की संख्या 14 पहुंच गई है। मुझे मालूम नहीं ये टैली कहां रुकेगी, और ये किस तरीके से, जिस तरीके से चल रहा है वो कैसे और कहां पहुंचेगा, वो हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। लेकिन यहां मैं ये भी कहना चाहता हूं, बीजेपी स्टैंड स्ट्रांगली विथ एवरी बीजेपी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी हर एक कार्यकर्ता के साथ खड़ी है, और हम ये लड़ाई बंगाल की जनता के लिए, सारे बंगाल की जनता के लिए कंक्लूसिव एंड तक लड़ाई लड़ेंगे, निर्णायक मोड़ तक लड़ाई लड़ेंगे। वी विल फाइट टिल द कंक्लूसिव एंड, निर्णायक मोड़ तक हम इस लड़ाई को लड़ने वाले हैं। और यहां जो इश्यूज हैं, जो विषय हैं, उसको भी हम एड्रेस करेंगे, उनका हम निष्पादन करेंगे, और उसके साथ साथ हम यह भी बताना चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो बंगाल में रह रहा है वह डिग्निटी के साथ रहे, वह इज्जत के साथ रहे, वो निर्भय होकर के रहे और वो निर्भय होकर के जीवन यापन करे, यह भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, उसको हम पूरा करेंगे। आज सवेरे हमारे शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसमें हमारे विधायक, सांसद और पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। हमने एक्सेप्ट किया है कि हम विपक्ष में, बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। 77 MLAs हैव बीन इलेक्टेड, 37%+ ऑफ वोट्स हैव बीन गिवन टू अस। हम इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे, और इसके निभाने में मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, हर बंगाली को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार मिले, उसकी बंगाली अस्मिता बरकरार रहे, और उसके साथ साथ वह एक अच्छे से जीवन जी सके, निर्भीक होकर के जीवन जी सके, यह हम जरूर
कहना चाहेंगे। इसके साथ साथ मेरा ये चार्ज है, जब मैं ममता जी साइलेंस बोलता हूं और मैं बोलता हूं कि ब्लड्स ऑन हर हैंड, मैं इस सारे विषय को स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक बोलता हूं। दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, और इसीलिए डेमोक्रेटिकली लड़ते हुए हमारे कार्यकर्ता इसको निर्णायक मोड़ तक लेकर के जाएंगे, यह मैं कहना चाहता हूं। एक मुझे बहुत ही कौतूहल है, हो रहा है, क्यूरियोसिटी हो रही है, और मैं पॉलिटिकल साइंस का कीन ऑब्जर्वर हूं। पिछले दो दिनों से ये सारे ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस, पता नहीं मुंह में ताला लग गया है, चुप्पी छा गई है, क्या हुआ है, ये सिलेक्टिव ह्यूमन राइट्स की लड़ाई लड़ते हैं क्या? एंड आई एम ऑल्सो शॉक्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज, जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, पिछले दो दिनों से एक भी कंडेमनेशन की स्टेटमेंट नहीं है। दिस स्पीक्स अबाउट डबल स्टैंडर्ड्स। और मैं फिर पूरी जिम्मेवारी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने अपने भारतीय जनसंघ के दिनों से आज दिन तक अपने स्टैंड में कंसिस्टेंसी रखते हुए मानवता की सेवा को सबसे ऊपर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको लेकर के हम चलते रहे हैं, उसको हम पूरा करेंगे। मित्रों, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, जब नतीजे आ रहे थे और नतीजों का कंक्लूजन हो रहा था, तो उससे पहले ही नरेंद्र तोमर जी ने, भारत के कृषि मंत्री ने ममता जी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए किसानों की लिस्ट को भेजो, वी स्टैंड कमिटेड। बंगाल के किसान जिनको हमने कहा है, वायदा किया है, हम अपनी मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको हम पूरा करेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और मैं चाहूंगा कि ममता जी पर अब सुबुद्धि आए और वह आयुष्मान भारत के बीच में उनका अहम न खड़ा हो जाए, इसकी भी उनको चिंता करनी चाहिए, इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। हमें जो जनादेश मिला हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन बंगाल की जनता की सेवा में हम कतई पीछे नहीं हटेंगे, यह भी हम आपको बता देना चाहते हैं। ये जो घटनाएं घटी हैं, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, मैं जमीन से आया हुआ आदमी हूं और हमारी पार्टी हर विषय को लड़ना जानती है। हम इसको कंक्लूसिव एंड निर्णायक मोड़ तक, और साधारण बंगाली की अस्मिता और साधारण बंगाली को इज्जत के साथ जीने का मौका मिल सके, इसका वातावरण बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं चाहूंगा आप सबसे, हमने प्रेस को रिलीज किया है, हमारे शपथ पत्र को आप जरूर पढ़ें और हमारे शपथ पत्र को आप जरूर हाईलाइट करें, जिसमें हम लोगों ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिसमें हमने कहा है कि बाबा भीमराव और अम्बेडकर भारत रत्न के रास्ते पर बताए हुए संविधान की रक्षा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और संविधान में सभी लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू लिव, ये सारी चीजों का हम ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये सिलेक्टिविज्म, इसको हम नस्तो नाबूद करेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं बहुत पीड़ा में हूं, मुझे ये 21वीं शताब्दी का बंगाल जो दिख रहा है, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से रिट्रेट करता हूं, ममता जी की बंगाल की संस्कृति बंगाल की संस्कृति नहीं है, ना उनकी भाषा बंगाली रिप्रेजेंट होती है, ना उनका कर्तृत्व बंगाल को रिप्रेजेंट करता है। आज श्री अरविंदो क्या सोचते होंगे, आज रविन्द्रनाथ ठाकुर को क्या लगता होगा बंगाल के बारे में, आज सुभाष चंद्र बोस को क्या लगता होगा, आप बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को क्या लगता होगा, क्या बंगाल जो रिलीजियस रिफॉर्मेशन और जिसको बोलते हैं कि हर तरीके का रिवॉल्यूशन लाने वाला बंगाल था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ऐसे बंगाल को कहां ला करके खड़ा कर दिया और कहां किस परिस्थिति में ला करके खड़ा कर दिया, ये तस्वीरें दिल दहलाती हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को लड़ने के लिए कृत संकल्प है, वी आर कमिटेड टू फाइट।
आपका प्रश्न लेने के लिए मैं तैयार हूं। द्वारा कि आप सिर्फ डिविजिव राजनीति करते हैं और आपको आप जो वीडियोस दिखा रहे हैं, जो जो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं दोस्त, जो ये सारी तस्वीरें ये फेक है, आप पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चैलेंज कर दें, लेट टीएमसी चैलेंज एनी फेक फोटोग्राफ। और हमने जो नाम लिए हैं जिनकी जाने गई हैं और हम आगे जाकर के पूछने वाले हैं, एफआईआर नंबर इनका क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, एक्शन टेकन क्या है, ये ना सोचें कि हम आधे में छोड़ने वाले हैं। मैं हवा हवाई बातें करने वाला आदमी नहीं हूं। मैंने कहा वी विल फाइट टू द कंक्लूसिव एंड एंड दिस इज अ डेमोक्रेटिक नेशन। सो व्हाइल एवरी डेथ इन पॉलिटिकल वायलेंस इज अनफॉर्चुनेट, जस्ट इन कंटिन्यूएशन ऑफ हर क्वेश्चन, व्हाट आईड लाइक टू आस्क यू इज, you know, because the CID West Bengal has put out certain tweets that were put out by pro-BJP handles and called them out saying fake posts and even shared where those videos are from. While you're taking on political violence in Bengal, and which is welcome, would you admit that sharing fake videos by pro-BJP handles has somewhat weakened your fight against political violence? That is what I'm saying. Please tell me which is the fake video. We'll take care of it. You give me, we'll take care of it. देखिए, हम दूध का दूध पानी का पानी करने वाले लोग हैं। हम ये narratives, false narratives सेट करने वाले लोग नहीं है, जमीन तक लड़ने वाले हैं। आपके पास जितने वीडियो फेक बोलती है वो हम सारे के सारे चेक करेंगे। और जहां तक बंगाल पुलिस का सवाल है, यही बंगाल की पुलिस थी ना, जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो कहा था कि खुद अटैक कर दिया। It is the same Bengal police, na? We know them. Lekin don't think that you are going to escape. Democratically, tooth and nail hum ladenge. Prajatantrik tarike se, nirnayak mod tak ladenge. Nadda ji, ye Mamta ji ka kehna hai, aaj press conference kiya hai. Unka kehna hai, jidhar Trinamool jita hai, udhar koi problem nahi ho raha hai. Opponent, yani ki Bhajpa jidhar jita hai, udhar hi problem ho raha hai. देखिए, ये आपका और आपके प्रश्न का पहला उत्तर 10 साल की मुख्यमंत्री का जवाब है। हु इज डिविसिव? अ लीडर हु हैज बीन इलेक्टेड, आज शपथ ली है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं पूरे हाजिर नाजिर से बंगाल की रक्षा करूंगी, वो कहने लगी बीजेपी और कांग्रेस और टीएमसी, दिस इज हर थिंकिंग। यही तो मेरा कहना है कि मुझे दुख है कि ऐसा नेतृत्व बंगाल का नेतृत्व कर रहा है जो आज दिन भी अभी भी इतनी छोटी सोच, द लेवल ऑफ थिंकिंग इज रियली रियली वरीसम टू अस। आज मैं शपथ लेता हूं और मैं हेल्थ मिनिस्टर था, मैं कहूं उड़ीसा में फलानी बीमारी हो रही है और यहां नहीं हो रही है क्योंकि यहां पर कमल खिला है, वहां पर यह खिला है, व्हाट इज दिस? I have to take the responsibility of the whole nation as a health minister. The same way she has to take the responsibility of the whole state. But she abhi 24 ghante nahi hue shapath lene ke aur ye divisive forces apne aap shuru kar diya aapne. Sir, I have two small questions. Firstly, sir, given the situation of Bengal right now, are you going to move court or do you think this is a perfect case for 356A? And B is perfect case for 356, sir, for president's rule. That's the question number one. Sir, second question is, Trinamool Congress has an allegation that the Honorable Prime Minister or the Union Home Minister, or as a matter of fact, even you, should be more worried about people, irrespective of being Hindus or Muslims, dying for oxygen shortage and in the COVID crisis. So these are the two questions. Dekhiye, as far as Article 356 is concerned, what is the procedure? The procedure is that a report is generated by the governor. They get the reports. That report is analyzed by the central agencies and by the Ministry of Home Affairs. And then they take the decision. So it is for them to take the decision and it is for the reports which is going to say, and it is up to them. As far as Bharatiya Janata Party is concerned, I had told before election also, even if it may be fit case, हम डेमोक्रेटिकली लड़ने वाले लोग हैं,
और हमको 77 एमएलए आपने चुन करके भेजे हैं, मैं लड़ाई लड़के दिखाऊंगा। सी वी आर इक्वली कंसर्न एंड वी आर फाइटिंग इट। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टेकिंग मीटिंग्स, डिस्कसिंग, टेकिंग वेरी प्रोएक्टिव स्टेप्स। वी आर इक्वली कंसर्न बट डोंट डिविएट फ्रॉम द इश्यू। सर, द इश्यू हियर इज दैट लॉट ऑफ कार्डर्स, बीजेपी कार्डर्स आर फीलिंग इनसिक्योर, देयर हाउसेज आर बीइंग बर्न, दे हैव बीन रैनसैक्ड। Now, when the allegation is this, when they call up their respective BJP leaders, they're not picking up the calls. So how do you address that? While few are there in their constituencies, majority are not there in their constituencies. Even one union minister tweeted that, I cannot go out, my car will be attacked. How do you respond to that? Frankly speaking, we never knew that Mamta's khela hobe is this khela hobe. That will be converted into a khela day. But it has happened. It was unprecedented. We have taken care of it. Bharatiya Janata Party, each worker and systems are on place now. We will fight it out and we'll see to it. And Bharatiya Janata Party ke karyakartaon ki chinta hum puri tarike se karenge. Ye unexpected tha. I'm shocked. Do you know? More than 80,000 to 1 lakh people have left their houses. Main partition days aise nahi keh raha hu. Main koi eulogize nahi kar raha hu. Main koi ओवर एम्फसाइज नहीं कर रहा हूं। यह ठीक है कि हमारी राजनीति इतनी नीचे तक पहुंच गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज रंग देख करके रिस्पॉन्ड करती हैं। दे रिस्पॉन्ड बाय सीइंग द कलर्स, नॉट ह्यूमैनिटी। सो विल देयर बी अ काउंटर रेजिस्टेंस? दे आर नॉट सपोर्टिंग, वी नो दैट, बट वी विल फाइट इट आउट। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज एवरी प्रोविजन एंड वी विल डू दैट, नंबर वन। नंबर टू, helplines have been now channelized. We are working on it and very soon we will restore things where they will going to get the support. Nadaji, Shibashish from Republic. Lekin mera ek nivedan hai ki aap yeh bhi prashn khada kijiye, yeh kaisa 21st sadi ka Bengal raha jisme 80,000 se 1 lakh log apne ghar chhod kar ke chale gaye, ghar vandalize ho gaye, dukane loot li gayi, और हमारी चीफ मिनिस्टर बोलती है कि फलाने की कंसल्टेंसी में हुआ, फलाने की कंसल्टेंसी में नहीं हुआ। मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड सिटिंग ऑन सच ए हाई पोस्ट। नटराज जी, दिस इज शिवाशीष फ्रॉम रिपब्लिक। बंगाल के चुनाव 2 मई को डिक्लेयर हो चुका है रिजल्ट। आज ममता जी ने वोट ले ली, लेकिन 77 एमएलए है आपके पास, लेकिन अभी भी एमएलए लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा, वो चेहरा बंगाल के पास नहीं आ रहा है। लोग जानना चाहते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन होगा। एक ही तरीके से असम में आपको बहुमत मिला है, लेकिन वहां पे भी अभी तक आपने सीएम का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया। कोई स्पेशल रीजन है क्या इसके पीछे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी काम को अपने अपने समय पर करेगी। उसका एक सिस्टम है, पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद या पार्लियामेंट्री बोर्ड के प्रेसिडेंट के रूप में मैं इनिशिएट करता हूँ, फिर डिस्कशन होती है। डिस्कशन होने के बाद ऑब्जर्वर डिक्लेयर होते हैं, ऑब्जर्वर डिक्लेयर होने के बाद वहाँ जाकर के वो डिक्लेयर करते हैं। लेकिन आप ही बताइए, अब नाउ एज फार एज प्रायोरिटी इज कंसर्न, ऑन 3rd of May मेरी प्रायोरिटी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग बुलाने की थी या बंगाल आने की थी? तो वेन द प्रेजिडेंट इज हियर, थिंग्स आर for the time being kept at bay, and when I'll go back, things will be initiated, and very soon you'll have democratic chief ministers and democratic leader of the opposition in West Bengal. सर, चुनावी कैंपेनिंग के दौरान हमने ये देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये बात कही थी कि केंद्र की जो योजनाएं हैं वो बंगाल के अंदर लोगों को नहीं मिल पा रही है। आज जब पीएम मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया ममता बनर्जी को, तो उन्होंने एक्सेप्टेंस किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम केंद्र और राज्य के बीच में एक बेंचमार्क सेट करना चाहते हैं। क्या अब हमें ये लगेगा कि अगले 5 साल में हमें केंद्र और राज्य के बीच में पश्चिम बंगाल के अंदर वो बेंचमार्क देखने को मिलेगा? देखिए, डिपेंड किस पर करता है। सारे कैंपेन में हमने तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ पॉजिटिविटी के साथ काम किया, और इतना ही नहीं, मुझे अब हेल्थ मिनिस्ट्री छोड़े हुए 1.5 साल से ज्यादा हो गया, और मैंने ममता जी को 3 साल पहले ऑफर दी थी कि आप आयुष्मान भारत 4,64,00,000 लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दो। तो उस समय तो हम ना चुनाव लड़ रहे थे और ना मुझे मालूम था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के आपके सामने आऊंगा, लेकिन जो जिम्मेवारी मुझे दी गई थी और मोदी जी के आशीर्वाद से
world's largest health coverage program Modi ji, Prime Minister Modi started. Who has been at loss? It is because of Mamta's ego that 4 crore 64 lakh people of Bengal have been deprived of 5 lakh rupees of health cover to the people of Bengal. We are always there. We are always positive. Aaj bhi to maine apne press conference mein kaha ki Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi ka ab utha lo aur list bhej do aur hum unko unko denge jo hamara Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi mein dena hai. सर, असम से जुड़ा हुआ सवाल. आपने जिस तरह से कहा है कि बंगाल से लोग अपनी जान बचाने के लिए असम में जा रहे हैं, तो असम में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है. अब आप लोगों को तुरंत बहुत जल्दी आप लोगों को ये फैसला भी हो जाएगा कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है. तो बंगाल से जो लोग जा रहे हैं उनके लिए क्या आप लोग वहाँ पे किस तरह से बंदोबस्त कर रहे हैं और क्या है वहाँ का? उनकी पूरी सेवा की है. उनको शेल्टर दिया गया है, ऑफिशियली शेल्टर दिया गया है और उनको उनकी व्यवस्था की जा रही है, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है. सर, कब तक फैसला हो जाएगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा असम का, क्योंकि बहुमत की सरकार है? अब कब जल्द से जल्द जाऊंगा तो इस काम को इनिशिएट करूंगा, लेकिन यहां शांति तो रखिए, यहां शांति तो लाइए. कौन बनेगा सर? ये फिर मैंने कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड से चर्चा करने के बाद, ऑब्जर्वर आने के बाद तय होता है. Sir, my question is about the incidents of violence which are being reported. Some of it, the Trinmool says, is intra-party fights between the BJP itself, because the party was not fighting as one unit as it went into the election. So what the violence which has erupted is a result of that. And the second question that I want to ask you is about, because you've had some amount of time now to analyze the results, what do you think went off the mark in terms of BJP not achieving its set target? See, as far as the first question is concerned, again, TMC ki tactics hai issue ko divert karna aur apni responsibility ko shirk karna, usse hatana. Apni responsibility se hatna, ye unki tactical style of functioning hai. Sachai ye hai ki TMC ke karyakartaon ne ye is tarike ka gundaism और ये बार्बरिज्म इसको उन्होंने यहां पर इम्प्लीमेंट किया है, और इसलिए इस तरह की कोई भी विषय की गुंजाइश नहीं बनती है. और उनके पास होम मिनिस्ट्री है, दे कैन डू एंड दे कैन कम आउट विद ब्लैक एंड व्हाइट व्हाट एवर दे हैव टू से. एज फार एज अबाउट द इशू ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स, सर्टनली फर्स्ट ऑफ ऑल we have gone from 3 to 77. I am a person who looks from positive angle. We are there who are making for the first time government in Puducherry. We are the first retaining Assam. So, isliye hamare positive aspects bhi hain. Aur abhi humko samay nahi mila hai. Jaisi hoga, we'll do the rethinking also. I think, bahut ho gaya. Nadda ji, ek sawal. Again, I will say, you are diverting the issue. The issue today is that on 2nd of May, Khela Hove Day hai. Bengal is facing a problem. Let's concentrate on that issue. Nadda ji, ek sawal. Social media mein maang aa raha hai ke aap logo ke karmiyon ke taraf se hi aa raha hai ke recounting kiya jaye, kyunki counting mein manipulate kiya gaya hai. Trinmool ye manipulation kiye hain. तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि मैनिपुलेशन हुआ है? देखिए, मेरे लगने से कुछ नहीं होता. मैं फिर वही कहता हूं, ये हमारा मेरी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग नहीं है. आई डोंट वर्क ऑन हाइपोथेटिकल. आवर लीगल टीम इज वर्किंग ऑन इट. आई हैव आस्क्ड माय पीपल हुएवर हैड गॉट एनी ग्रीवेंसेस कम विद ब्लैक एंड व्हाइट, वी विल एग्जामिन एंड देन गो फॉरवर्ड. नर जी, और एक सवाल. अब मेरे ख्याल से काफी हो गया. कल तृणमूल के विधायक सब शपथ ग्रहण में जाएंगे. आप लोगों का जो विधायक है वो लोग जाएंगे या बॉयकॉट करेंगे? हमारी पार्टी तय करेगी. यहाँ जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे प्रभारी हैं, वो सब लोग मिलकर के तय करेंगे. थैंक यू. लास्ट क्वेश्चन सर. इतना डेमोक्रेटिक तो आपको दूसरी पार्टी में नहीं मिलता होगा. लीडर ऑफ अपोजिशन ग्रुप में शुभेंदु अधिकारी का नाम पर कई चर्चा है. लीडर ऑफ अपोजिशन ग्रुप में
विरोधी दलों ने तार रूप नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, फैसला तो लोगों ने करना है। धन्यवाद। आप दूसरों से सवाल नहीं करते, हमको आप छोड़ोगे? धन्यवाद।